की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं VVMI को प्रोग्रामिंग की दूसरी क्लास। पहले क्लास में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि माइक्रो कहाँ कब कैसे यूज किया जाता है, करने से पहले क्या 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 हमें करना चाहिए वगैरह वगैरह, जो थ्योरिकल पार्ट थी वो हमने बताया था आपको। आज हम बात करेंगे सबसे पहले रिकॉर्डिंग माइक्रो से। देखिए, सबसे पहले चीज जान लीजिए कि कुछ बच्चों का, कुछ लोग मुझे कॉल करते हैं, उनकी कंफ्यूजन होती है कि रिकॉर्डिंग माइक्रो, कॉल टू माइक्रो और जो हम कोड करते हैं दैट इज ए वीवीए माइक्रो। तो याद रखिए, रिकॉर्डिंग भी वीवीए लैंग्वेज के जरिए माइक्रो बनाता है और कोडिंग माइक्रो भी आप माइक्रो बनाते हैं, दोनों बहुत सिंपल है। इस पर हमने आपको लास्ट क्लासेस में, कल की क्लासेस में एक्सप्लेन भी किया था। हाँ जी, हमने रिकॉर्डिंग माइक्रो के दो यूज बताए थे, जिसमें से एक मैं आपको समझाया था कि लर्निंग पर्पज से हमें काफी ज्यादा फायदा मिलता है, कि अगर मैं आप लर्नर है तो जब काफी ज्यादा फायदा आपको मिलता है। लेकिन अगर आप लर्नर ना हो, जैसे मुझ जैसे लोग क्या यूज करते हैं रिकॉर्डिंग माइक्रो का, चलिए हम आज आपके साथ वही डिस्कस करते हैं। ठीक है सर जी, ओके। तो आपके सामने एक डेटा है, छोटा सा डेटा हम यहां पर रखते हैं, राइट जी। मेरे पास ये डेटा है और मुझे अपने जो हमारे मेंबर्स हैं, हमारे टीम मेंबर्स हैं, जो हमारे अलग अलग कंपनीज के नेम है, मुझे ये डेटा चाहते हैं। तो बेसिकली उनको डेटा प्रोडक्ट बाय चाहिए होता है। जैसे मान लीजिए कि मिस्टर बत्रा ने मुझे फोन किया कि मुझे रैम की सेल्स की पूरी फाइल दे दो, डेट फाइल दे दो। तो मुझे सिर्फ रैम की फाइल देनी, रैम की डेटा देना है, ओवरऑल प्रोडक्ट का डेटा नहीं देना है। तो हमें क्या होता था, फिल्टर लगाना होता था, कॉपी करके नई शीट में पेस्ट करके फिर उसको एक नई फाइल में कन्वर्ट करते थे जी। अब ये मुझे दिन भर में 8-10 बार 20 बार हर दिन आ जाता है कि भाई इसमें से फिल्टर करके डेटा फाइल बना के भेजना है। तो हर बार मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, फाइल क्रिएट करता हूँ, तो दिक्कत हो जाती है। सो मैं चाहता हूं कि ऑटोमेटिक हो जाए और मैं इसके लिए प्रोग्रामिंग ज्यादा लिखना भी नहीं चाहता। ओके, तो हम क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग माइक्रो का सहारा लेंगे। तो मैं सीट का नाम डेटा कर देता हूं, दो सीट रहने दीजिए, फालतू कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहां रिकॉर्डिंग माइक्रो में यहां से भी रिकॉर्ड कर सकता हूं और डेवलपर से भी रिकॉर्ड कर सकता हूं। तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया माइक्रो वन, या नाम चेंज कर सकते हैं, इस पे शॉर्टकट दे सकते हैं वगैरह वगैरह, देन कर दिया। अब मैं कुछ भी मूवमेंट करूंगा तो मुझे जो है कुछ भी मूवमेंट करूंगा मेरा रिकॉर्ड होगा। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो रिकॉर्ड हो गया, फिल्टर लगाया, फिर हमने प्रोडक्ट में गए, हमने प्रोडक्ट में यहाँ पे एलजी लगा दिया एंड, और फिर इसको आप देखिए, याद रखिएगा कि आप रिकॉर्डिंग करते समय सिलेक्शंस माउस से नहीं करेंगे। अगर सिलेक्ट करते हैं तो माउस की सिलेक्शन भी रिकॉर्ड हो जाती है, वो एरिया फिक्स हो जाता है। तो हमें क्या सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन। और रिकॉर्डिंग माइक्रो में कभी भी आप कॉपी करेंगे तो डायरेक्ट कॉपी नहीं करेंगे, आप पहले करेंगे कंट्रोल जी पे स्पेशल और यहां विजुअल सेल्स ओनली, ताकि पीछे का डेटा आपका कॉपी ना हो। फिर मैंने इसको कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद हमने क्या किया, अब देखिए मेरे पास ऑलरेडी दो शीट तो है, लेकिन मैं इन दोनों शीट का यूज ना करके एक नया शीट लेता हूं, उसके अंदर हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब इस शीट का नाम रखता हूं HD और मैं इसको राइट क्लिक करके मूव एंड कॉपी, ऐसे तो बहुत तरीके, लेकिन मैं मूव कर देता हूं न्यू वर्कबुक में, और फिर इस फाइल का नाम, फिर मैं इस फाइल का नाम रख देता हूं, लेकिन सेव करता हूं और इस फाइल का नाम रख देता हूँ HD। मैं सेव जो है मान लीजिए इसमें जी में ही कर देता हूँ HD और यहां पे लोकेट वर्कबुक लेके सेव कर देता हूँ।
फाइल को क्लोज करता हूँ, डेटा पे जाता हूँ और फिल्टर हटा देता हूँ और माइक्रो को यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ, राइट। अब चलिए इस ओके कोडिंग को देखते हैं। माइक्रो सेलेक्ट किया और एडिट माइक्रो में गया, इसकी कोडिंग। अब ये कोडिंग परफेक्टली वर्क नहीं करेगा। परफेक्टली वर्क ना करने का रीजन ये है कि इसमें कुछ ऐसे चीज है जो कि अननेसेसरी है, जो कि हो नहीं सकता। अब देखिए दो दो फिल्टर लगा हुआ है, एक तो फिल्टर ऑलरेडी लगा हुआ है, फिर इसमें फिल्टर लगा दिया। तो मैंने इसको यहाँ से हटा दिया, सिलेक्शन डॉट कॉपी विजुअल, यहाँ पे सिलेक्शन ये देखिए सिलेक्ट किया आपने एंड तक, विजुअल सेल्स को सिलेक्ट किया, कॉपी किया, एक सीट ने ऐड किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए सीट फोर डॉट सिलेक्ट गलत है, क्योंकि हर बार सीट फोर तो नहीं होगा, जब सीट आप ऐड करेंगे तो सीट फाइव सीट सिक्स सीट सेवन ऐसे भी तो हो सकते हैं। वेरिएबल हो सकता है। यस तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे देखा हमने कि एक्टिव सीट डॉट पेस्ट, मतलब जो सीट ऐड होता है वही एक्टिवेट होता है, तो हम जहां जहां सीट फोर है वहां वहां एक्टिव सीट कर देते हैं, ठीक है। ओके तो हटा देता हूँ मैं, कट को रिमोट फॉल्स। अब यहाँ पे एच डी सीट डॉट मूव, तो एच डी को हटा के मैं इसको एक्टिव सेल कर देता हूँ। ये आपका ब्राउज बटन पे क्लिक करना है, अननेसेसरी है, इसकी जरूरत नहीं है। अब मेरा माइक्रो फुल्ली वर्क करेगा, लेकिन वो हर बार एच डी को ही बनाएगा, समझ गए। करेक्ट करेक्ट तो मुझे चाहिए कि मुझसे पूछे, तो अब इसमें मैं थोड़ी सी एडिशनल डाल देता हूँ, जैसे कि मैं डाल दिया जैसे कि प्रोडक्ट पी इक्वल टू इनपुट बॉक्स, ये कोड होता है कि जो इनपुट बॉक्स लाने का कोड होता है। एंटर, ओके सर, इनपुट बॉक्स मतलब पॉपअप आता है स्टार्टिंग में वो आएगा, समझे। ओके 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 समझा समझा कि पॉपअप देगा, हम सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पे जैसे रन होगा ना तो इस तरह का बाहर आएगा, तो इस तरह का बाहर आएगा, उसको इनपुट बॉक्स कोड से आता है, राइट। और इसमें जो हम प्रोडक्ट डालेंगे, जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए मैंने डाल दिया सी डी, तो जो सी डी है ये स्टोर कहाँ होगा, इस पी पे स्टोर होगा। अब पी क्या है, पी एक टेम्पोररी डेटा स्टोरेज है, जैसे कि आप मैथमेटिक्स में एक्स इक्वल टू हंड्रेड करते हैं, हाँ और जहां जहां हंड्रेड की जरूरत होती है वहां एक्स यूज करते हैं। ओके हाँ सेम उसी तरह से इनपुट बॉक्स के जो रिजल्ट को हमने पी पे स्टोर कर दिया, आप जहां जहां प्रोडक्ट चाहिए वहां वहां पी लेंगे, जैसे कि यहां प्रोडक्ट चाहिए तो हम एच डी की जगह पे पी कर देते हैं, वी कैन पुट पी, और यहां मतलब ये पी अपना वेरिएबल हो गया। हाँ जैसे रेंज एड्रेस होता है इस तरह से हो गया। अब यहां पे देखिए एच डी, अब यहां पे एच डी पी है, तो ये इन्वर्टेड कॉमा है, तो मुझे इसको ब्रेक करना होगा, क्योंकि अगर पी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में आ गया तो क्या हो जाएगा, वो पी नाम का ही फाइल बनाएगा, लेकिन हमें पी के अंदर जो वैल्यू है उसको लेना है, तो हम उसको इन्वर्टेड कॉमा से बाहर करना, तो हमने कॉनकेटा नेट की मदद से कर दिया, ठीक है। ओके ये बाकी सब देने की जरूरत नहीं है, जैसे ये दिया हुआ है ना इसको देने की जरूरत नहीं है। तो सर एक चीज तो ये, जैसे हमने जो पी लिया है तो पी हमारा वेरिएबल है, इसलिए हम लोगों ने ऊपर जहां जहां पी है वहां पे हमने वो इन्वर्टेड कॉमा नहीं यूज किया है, नीचे हमने इसको कॉनकेटिनेट की मदद से इसको हमने जो लास्ट वाला स्टेप था मर्ज कर दिया, जैसे कि सुजीत अलग है और कुमार अलग है, अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, सुजीत और कुमार को एन परसेंट लगाएंगे तो मर्ज इकट्ठा हो जाएगा ना, जुड़ जाएगा। ओके हाँ करेक्ट, और ये अगर एंड एफ हमारा फोल्डर ये हो गया, ड्राइव हो गया, उस पर पी नाम का फाइल बनाना है, किस सेक्शन में था, ई सेक्शन से, पी हमारा क्या है, ये हमारा फिक्स नहीं है, ये डिपेंडिंग द यूजर है, तो हर बार चेंज। और इसके आगे पीछे एंड लगाने से मतलब वो डी कॉनकेटिनेट, मतलब उसका उल्टा हो जाएगा।
हाँ, इसके आगे पीछे लगाने से फायदा हुआ कि एक पाथ बन गया ना। जैसे कि हमारे पास, बता सुनिए, हमें हमारे पास यहाँ पे मान लीजिए कि रवि है, तो मेरे पास मिस्टर है और सिंह है, नाम चेंज हो रहे हैं। तो हमने क्या किया, इन्वर्टर में इन्वर्टर कॉमा में ले लिया मिस्टर, और इसके साथ यहाँ सॉरी इन्वर्टर कॉमा में ले लिया मिस्टर, और इनके साथ एंड किया रवि, और फिर एंड किया यहाँ पे सिंह। रवि सिंह आ गया ना। अब मैं यहाँ पे रवि की जगह पे पूजा का हुआ था, पूजा सिंह है। तो सेम चीज यहाँ देख रहे हैं कि मिस्टर इन्वर्टर कोमा में है बट S3 इन्वर्टर कोमा में नहीं ओके 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 है। अब मैं S3 को इन्वर्टर कोमा में डाल देता तो क्या होता, पूजा की जगह मिस्टर एस3 सिंह। S3 फिक्स हो जाता। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो सेम उसी तरह से यहाँ किया हो कि हमारे पास पाथ है, हमारे पास एक्सटेंशन है, फाइल नेम वेरिएंट है, तो हमने पी पे डाल दिया क्योंकि पी इज अ वेरिएबल, जैसे A1 B1 C1 ऐसे पी। ठीक ओके है, अब मैं इस फाइल को रन करता हूं तो अब मेरा परफॉर्मेंस, अब जो मैं यहां पे दिखेगा, मैंने यहां पे मैक्रो को रन करने के लिए मैं बटन्स का इस्तेमाल भी कर सकता हूं। तो मैं बटन्स लिया, सेलेक्ट किया और मैंने मैक्रो पे ले लिया और यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे देता हूँ क्रिएट। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा मुझसे पूछेगा पास, ये प्रोडक्ट कोड मैंने दिया RAM। अब मैं अपने ड्राइव में जाता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे कि रैम नाम का फाइल आ गया और इसके डेटा में सिर्फ रैम नाम का ही डेटा है। ठीक है, यस करेक्ट। तो ये बताने का आपका ये रहा कि इसका हमने रिकॉर्डिंग मैक्रो का इस्तेमाल क्यों किया, कोडिंग हम खुद कर सकते थे लेकिन इतना सारा कोडिंग करने की जरूरत हमें नहीं पड़ी, हमने रिकॉर्ड कर लिया और कुछ अनवांटेड कोड को रिमूव कर दिया और कुछ ऐसे कोड को इंक्लूड कर दिया। हाँ मतलब कि हमारे पास कोड आ गया, उस कोड को हम लोगों ने मॉडिफाई करके अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लिया। तो हमें टाइम बच गया ना वहां कोडिंग करने के लिए, तो करेक्ट करेक्ट छोटा ओके। सा है लेकिन बड़ा हो तो इसमें, अब इसमें डायनेमिक और ज्यादा डायनेमिक करना है तो यहाँ पे आपको दिख रहा है फिल्ड, हाँ फिल्ड दिख रहा है। करेक्ट। तो अब प्रॉब्लम यह है कि इसमें अब फील्ड कुछ और भी हो सकता है, फील्ड हमारा, मुझे और इसका एक और थोड़ा सा इंटरैक्टिव वर्जन बनाना होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं यहां से इसको करता हूं डुप्लीकेट, रिमूव डुप्लीकेट। अब इसके अब देखिए और ज्यादा इंटरैक्टिव करना होगा तो हम इस पे यूजर फॉर्म का इस्तेमाल, मैं बस बता रहा हूं कि ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, तो डिपेंडिंग योर यूजेज। मैं टेक्स्ट बॉक्स नहीं, माफ कीजिएगा, मैं कॉम्बो बॉक्स लूंगा यहां से। कि मुझे मेरे पास जो है जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट पे ही आएगा, ठीक है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है कि प्रोडक्ट पे ही आएगा, राइट। मैं ओके चाहता हूँ, मैं नेम के अकॉर्डिंग फिल्टर करना चाहता हूँ, मैं सिटी के अकॉर्डिंग फिल्टर करना चाहता हूँ, मैं क्वांटिटी के अकॉर्डिंग फिल्टर करना चाहता हूँ, तब क्या होगा। ओके
और यहाँ पे और अब इसमें एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, ये तो हम कर ले रहे हैं लेकिन आगे चल के इसमें भी मैं बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि जब मैं इसको मैं रन करूं, मैं यहां से अपना फील्ड सिलेक्ट करूं, मैं किसके फील्ड में उस फील्ड का डेटा मैं सिलेक्ट करूं और क्रिएट फाइल पे क्लिक करूं तो मैं क्रिएट हो गया। ओके सबसे पहले मुझे इसका इसमें फील्ड का डेटा हमें लाना होगा, तो इसके लाने के कई सारे तरीके हैं। तो मैं इसके प्रॉपर्टी में आता हूँ, प्रॉपर्टी बार में, और यहाँ पे आपको दिखेगा रो सोर्स, नीचे नीचे और नीचे अगर अब इस रो सोर्स या में मुझे इसका पूरा एड्रेस डालना होगा। और डेटा, अब डेटा में देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अब मैं यहाँ पे जो फील्ड सिलेक्ट करूंगा उसके हिसाब से मेरा डेटा आना चाहिए, बात समझ गए ना। अब मैं इसको रन करूंगा तो मुझे यहाँ पे फील्ड मिल रहा है, लेकिन फील्ड भी मिल रहा है तो हमें फील्ड मिल रहा है अलग तरीके से, क्योंकि तो मेरा डेटा हॉरिजॉन्टल नहीं चलता है, वर्टिकल चलता है, तो मुझे कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, ये वर्टिकल चलता है। ओके के टू से ऊपर ऊपर निकलेगा सर, रो सोर्स। कैटेगरी भी क्लिक कर देंगे तो कैटेगरी पे हमें दिख जाएगा रिसोर्स, या यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा K2 से, K2 उसे K7 और 8। K5 हो गया सर, K5। या मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट किया तो मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट का ही डेटा दिखना चाहिए। हाँ, डेटा में भी हमें ऐसा ही एक टेबल डालना पड़ेगा ना। नहीं, डेटा में टेबल डालने की जरूरत नहीं है, मैं इस पे जैसे कि इस पे चेंज करूंगा ना तो इस पे कोड करना पड़ेगा चेंज, मुझे यहाँ पे चेंज में मैं मुझे यहाँ पे के इक्वल टू, ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं लेकिन मैं सिंपल तरीका लगाता हूँ ताकि आप समझ पाए, क्योंकि तो अभी आपके पास ये नहीं है ना। एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैच, मैच में आ जाएगा डॉट कॉम्पो बॉक्स वन डॉट वैल्यू, इसके अंदर ढूंढना है तो हमें ढूंढना है सीट्स डेटा डॉट रेंज 1 बाई 1, मैच का फॉर्मूला मैंने लगाया हुआ है, ताकि मुझे इसका इसका कॉलम नंबर पता चल जाए। अब मैं करता हूं कि यहाँ पे मीम एक्टिव फॉर्म होता है डॉट कॉम्पो बॉक्स टू डॉट रो सोर्स इक्वल टू, हमने यहाँ पे डेवला डेटा
बेटा, उसके साथ हमने कौन का टारगेट किया, सेल्स। सेल्स में के हमारा रेंज, सेल्स माफ कीजिएगा रेंज होगा, हाँ रेंज, के हमारा हो जाएगा रो एंड कॉ, नहीं के कॉलम हो जाएगा यहाँ पे, टू रो एंड के कॉलम स्टार्टिंग में। और मेरा डेटा कितना बड़ा है, तो मेरा डेटा बड़ा है 111। पर इसको डायनेमिक भी किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल हम नहीं कर रहे हैं। 111 डॉट यहाँ पे मैं रन करके देखता हूँ। आ गया क्वांटिटी, आ गई प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आ गया क्या सर, जी आ गया ना। हम्म, मैं इस पे जो सेलेक्ट करूँ उसके अकॉर्डिंग फाइल क्रिएट, जो हमने क्रिएट वाला कोड दिया है ना सर, जो कोड दिया है इसी कोड को हम यहां से कॉपी कर लेंगे और फिर यूजर फॉर्म पे आएंगे, क्रिएट फाइल पे जाएंगे और कमांड बटन पे इसको क्लिक कर देंगे। अब इसमें इनपुट बॉक्स की जरूरत नहीं है, तो मैं यहां पे लिखूंगा पी इक्वल टू मी डॉट कॉम्बो बॉक्स टू डॉट वैल्यू। अब यहां पे आप देख रहे हैं टिल्ड, फिल टू या क्या होना चाहिए वो आपका ये सॉल्व करेगा, कौन सा फिल है, और यहां पे हम देते हैं की। ओके बाकी आपका सब सेम रहेगा, ठीक है। मैं इसको रन करता हूं, रन करते ही मैंने फिर सेलेक्ट किया कि मैं चलूंगा प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग और मैं लूंगा इसमें से MB। अब आप जाके देखेंगे कि MB नाम का फाइल बन गया। यस ये इंटरफेस हो गया, तो देखो सिंपल हमें पता था तो हमने एक इसके अकॉर्डिंग कर दिया, लेकिन मेरे पास बहुत सारे क्राइटेरिया हो गए, तो मुझे अगर मान लीजिए कि अगर करना होता तो मुझे इसको अलग अलग मैप को बनाने पड़ते ना सर। तो हमने इस करेक्ट। इंटरफेस बना लिया जहां पे मैं अपना ऑप्शंस को चूज करूंगा और क्रिएट करता चला जाऊंगा। यही हमारा वीवीएम मैप, तो अभी जो आपने सीखा उसमें से आधे अधूरे चीज आपको आया, बाकी चीज आपको नहीं आएगा, क्योंकि धीरे धीरे आप जब सीखेंगे तो आएगा, जब हम आपका मैं लैंग्वेज स्टार्ट करूंगा, ठीक है सर। ओके तो आप अपने ऑफिस में बहुत सारे रिपोर्ट्स होंगे, उस बहुत सारे रिपोर्ट्स को आप अपलोड करिए और करके मुझे उसका रिजल्ट दीजिए। ओके मतलब मैं कुछ आपको अपना डेटा शेयर करूं और फिर वैसे उसमें कैसे ऑटोमेशन कर जैसे कि मैंने सकते अभी हैं। बनाया, जैसे मैंने अभी जो बनाया एक मैक्रो बनाया ना, एक काम को किया, आपके हाँ जी पास कुछ ऐसा काम होगा उसको करने की कोशिश बिल्कुल कीजिए, और जो बिल्कुल अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो मेरे साथ शेयर कीजिए। ठीक है सर।